दोस्तों, अगर आप लोग के पास में किसी भी कंपनी का नेकबैंड पड़ा है, आपके पास में, मेरे पास में ये वाला नेकबैंड है, ऐसा अगर आप लोग के पास में कोई सा भी कंपनी का नेकबैंड पड़ा है और वो अगर चार्ज नहीं हो रहा है, कभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग चार्जर लगाने की वजह से फिर क्या होता है कि चार्ज नहीं हो पाता है, खरीदते हैं हम लोग इतना महंगा महंगा और फिर ये क्या होता है कि चार्ज नहीं होता है, घिस जाता है अंदर से, चार्ज नहीं होता है। तो मैं बताऊँगा आप लोगों को आज इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन कि खुद से बिना किसी दुकान पर गए हुए आप लोग इसको कैसे खुद से बना सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो, अगर ये चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद इसका और क्या उपाय हो सकता है जो कि बिना चेंज की वजह से हो जाए, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। दोनों ही तरीके बताऊंगा कि चेंज कैसे कर सकते हैं या फिर बिना चेंज किए कैसे अपना ये जो नेकबैंड है, नेकबैंड का चार्जिंग हम किस तरह से सही कर पाएंगे, दोनों चीज़ें बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो में दोस्त लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी से हमें क्या करना है कि इसको ओपन करना है हमें। तो देखिए, दो साइड इसमें दिया गया रहता है तो इस साइड हमें ओपन नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इधर कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इधर बटन नहीं दिया गया रहता है, इधर क्या होता है कि इधर बैटरी दिया गया रहता है, तो बैटरी से हमें कोई मतलब नहीं है, बैटरी हमें नहीं खोलना है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी समस्या ये भी होता है कि बैटरी पूरा डाउन होता है तो भी चार्ज नहीं उठाता है, तो एक बार चाहे तो हम खोल के चेक कर सकते हैं कि बैटरी हमारी सही है या फिर नहीं है। कभी ज़्यादा ऐसा होता है कि बैटरी फुल गई होती है या फिर बैटरी के कारण से बैटरी खराब हो तो भी चार्ज नहीं होता, तो एक बार हम खोल लेते हैं, बैटरी को भी देख लेते हैं कि बैटरी हमारी सही है कि नहीं है। बस सिंपली ऐसे थोड़ा सा ऐसे किसी चीज़ से उठाएंगे ना इसको, तो ये ऑन निकल जाता है, खुल जाता है। ये मैं आप लोग थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, जैसे तो ये बैठा हुआ पूरा, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ना ऊपर की तरफ तो ये इस तरह से ये खुल जाता है। फिर अपने नाखून या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इसको थोड़ा आप लोग ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन ऐसे कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बैटरी हमारा जो है ये बैटरी बिल्कुल सही है, कहीं से फुला हुआ बैटरी नहीं है, बिल्कुल एकदम ओके है बैटरी, बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जो भी आपके पास में नेकबैंड पड़ा है उस नेकबैंड का सबसे पहले आप लोग बैटरी चेक करोगे, अगर बैटरी ख़राब है तो पहले बैटरी आप लोग चेंज करके देखोगे, अगर बैटरी सही है तो इसको हम वापस जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम वापस इसको फिट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर समस्या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि बैटरी ख़राब होने की वजह से भी चार्ज नहीं होता है। तो इसको बैटरी तो यहाँ पर सही है, हमने बैटरी चेक कर लिया, तो जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं वापस से, तो जैसे हमने खोला था वैसे हमने इसको यहाँ पे वापस से सेट कर दिया, ये सेट हो गया। इसमें हमें अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बैटरी हमारा सही है, बैटरी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाला जो इधर दिया गया है ये, इसमें बटन दिया गया है, ठीक है, बटन दिया गया और इधर ही सारा जो किट होगा हमारा, सभी आईसी वगैरह सब कुछ इधर ही होगा और चार्जिंग जैक भी इधर ही लगा हुआ है। तो बैटरी तो हमने चेक कर लिया, बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और हमें जो भी प्रॉब्लम अब होगा तो वो इधर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इधर सारा आईसी जो भी दिया गया रहता है, चार्जिंग आईसी वगैरह सब कुछ इधर ही दिया गया रहता है, जितने कॉम्पोनेंट होते हैं सब इधर ही दिए गए होंगे, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इसमें क्या समस्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी खोलने के लिए सेम प्रोसेसर जैसे हमने उसको ओपन किया था ना, इस वाले को जिस तरह से हमने ओपन किया था, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा करके उसको ओपन कर लिया था, ऐसे ही हमको इसको भी ओपन कर लेंगे, बस थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे प्रेस करना है और ये खुल जाता है। तो ऐसे ही आपका भी जो भी होगा आपके पास में, थोड़ा अलग अलग खोलने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप लोगों को देख लेना है कि किस तरह से होगा। ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, 95% ऐसे ही रहता है कि बीच में से उसका जॉइंट दिया गया रहता है और आप लोग आराम से किसी भी चीज़ की मदद से ऐसे उठाओगे ना तो वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ओपन कर लोगे, तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, इस तरह से इसको निकाल लिया मैंने, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, बाकी जो भी काम करना है हमें इसी में काम करना है, जो भी करना है, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया और हमें इसे फटाफट जो वायर यहाँ पर लगे हैं ना, मैं इन सब वायरों को छुड़ा लूँगा क्योंकि हमें जो भी काम करना है इस प्लेट में करना है। तो मैं वायर को यहाँ से डिसकनेक्ट करता हूँ, सभी वायर को मैं यहाँ से छुड़ा लेता हूँ। इस तरह से आप लोग के पास में एक आयरन होना चाहिए दोस्त, आयरन होगा तो ही आप लोग इसको कर पाओगे, तो आपके पास में आयरन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आयरन आपके पास में होना चाहिए। मैं सभी वायर को यहाँ से हटा लेता हूँ आयरन की मदद से, तो मैंने इन सभी वायरों को यहाँ से हटा लिया, ठीक है। अब मेरे पास में सिर्फ ये प्लेट है, जो भी करना है मुझे इस प्लेट में ही करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है, ये जैक आप लोग देख रहे हैं, ये जैक कभी कभी ऐसा होता है कि जैक जो होता है बार बार कोई अलग अलग चार्जर लगाने की वजह से चार्जिंग जैक ही हो जाता है, इसके अंदर का जो पॉइंट था वो घिस जाता है, ठीक है, अलग 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 चार्जिंग लगाने की वजह से ये घिस जाता है, ठीक है। तो देखिए, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा पॉइंट थोड़ा, तो इसके अंदर का ये जो है ना, ये वाला घिस जाता है,
तो हमें इसी को चेंज, या तो हम कोशिश करेंगे कि ये सही हो जाए, या फिर हम इसको पूरे को बदल देंगे, पूरा ये चेंज हो जाता है। और मैं चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ आयरन की मदद से। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी हॉट गन की ज़रूरत है, आप लोगों को उसे निकालने के लिए मशीन जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ आयरन से ही इसको चेंज कर पाओगे अगर ये ख़राब है तो। मैं इसको चेंज करके दिखाऊँगा आप लोगों को आयरन की मदद से, सिर्फ इससे आप लोग इसको चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कोई और चीज़ तो इसमें फंसा नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है इसके अंदर कुछ चला गया होता है जिसकी वजह से हमारा चार्जर जो है ये अंदर तक पूरा बैठ नहीं पाता है, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले कि इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं है, थोड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेंगे या फिर साफ़ कर लेंगे। हमारे पास में कोई ब्रश वगैरह है तो ब्रश से हम लोग थोड़ा इसको साफ़ कर लेंगे किसी चीज़ से, ठीक है। ऐसे अंदर इसको थोड़ा, कोई ब्रश है ना तो ब्रश की मदद से हम लोग इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। मैंने इसको साफ़ कर लिया है और करके अब मैं इसको चार्जिंग में लगा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कोई पिन हो तो पिन से थोड़ा अंदर तक इसको आप लोग साफ़ कर लोगे। तो मेरे पास में एक ऐसा पिन पड़ा हुआ है, स्विच पड़ा है, तो मैं इससे थोड़ा इसके अंदर चेक कर लूँगा कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं है। क्या होता है इसके अंदर बहुत कुछ कभी जा करके इसकी गंदगी अंदर फंसा रहता है या फिर कुछ ना कुछ जाके इधर बैठ जाता है, जो कि जिसकी वजह से चार्जर पूरा अंदर तक पहुँच नहीं पाता है, फिर चार्ज नहीं होता है। तो वह हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑल क्लियर है। इसलिए कभी यहाँ पर क्या होता है, कभी चार्जिंग उठाता है कभी नहीं उठाता है, इस तरह की इसमें समस्याएँ हमें सामना करना पड़ता है। कभी चार्ज उठा लेता है कभी नहीं उठाता है, इस तरह से होता है। कुल मिला करके यहाँ पर हमने इसको साफ़ कर लिया। अब हम लगा करके इसको देखते हैं। और पास में पेट्रोल था, पेट्रोल से मैंने इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। आप लोग भी पेट्रोल तो पेट्रोल से थोड़ा इसको साफ़ कर लोगे अंदर तक, ठीक है। ब्रश को पेट्रोल में डाल करके उसके बाद में आप लोग इसको साफ़ कर लोगे। मैंने इसको साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको चार्जिंग में लगा करके देखूंगा कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उस तरह से आप लोग भी इसको देखोगे चार्जिंग में लगा करके कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर चार्ज में लगाया तो ये चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी चार्ज उठाता है कभी नहीं उठाता, तो ये चार्ज नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा जैक को। तो जैक को बहुत आसान होता है बदलना, बिल्कुल सिंपली तरीके से चार्ज जो जैक को बदल सकते हैं। जैसे मैं बदल रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी इसको बदल लोगे। तो दोस्तों ये जो पेस्ट होता है ना, आयरन का जो पेस्ट होता है, पेस्ट को थोड़ा हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। इन सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि जल्दी, ज़्यादा ही जल्दी ये हीट हो जाता है, ठीक है। तो हम इन सभी जगह पर इसको थोड़ा सा लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पर ये हमारा कनेक्ट हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर लगा लेंगे। फिर आयरन हमारा पूरा गर्म होना चाहिए अच्छी तरह से, आयरन जो है हमारा पूरा ही गर्म होना चाहिए। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम होना चाहिए, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आयरन जो है ना, आयरन पूरा गर्म होना चाहिए दोस्त, आयरन को पूरा गर्म कर लेना अच्छी तरह से। आयरन गर्म होना चाहिए बढ़िया से, ये आयरन जो है ये पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आयरन गर्म होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सोल्डिंग वायर को यहाँ पर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे सोल्डिंग वायर को, ठीक है। इतना ले लिया मैंने, इसको यहाँ पे रख करके बस नॉर्मली ना इसको थोड़ा सा घुमाते रहना है, तुरंत निकल जाएगा। थोड़ा हम 30 सेकंड से एक मिनट तक अगर हम ऐसे करेंगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा इतने देर में, ठीक है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, लाइव ही रखूँगा मैं, वीडियो रोकूँगा नहीं थोड़ा सा भी। मैं आप लोगों को निकाल करके दिखा देता हूँ, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए निकल गया, बहुत ही आसान होता है, एकदम ईजी तरीके से एकदम निकल जाता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, तुरंत ही निकलते ही आप इसको छूओगे नहीं, ये छूने से फिर क्या होगा, ये हाथ वाथ जला देता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ये निकल चुका है, ठीक है, ये निकल गया है, ये ख़राब हो चुका है। अब हम इसको साइड में करते हैं और दूसरा पिन ले लेते हैं हम, कोई नया सा, ठीक है, दूसरा पिन लेते हैं या फिर जो कोई सही हमारे पास में पड़ा है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब ये जो हमारे पास में प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, तो प्लेट के जितने भी प्रिंट है ना, थोड़ा प्रिंट पे हम एक बार आयरन चला लेते हैं ताकि ये जो अच्छे से है साफ़ हो सके, ठीक है। बढ़िया से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कनेक्ट होगा ना वहाँ पे एक बार हम लोग आयरन को घुमा लेते हैं ताकि वहाँ पे कुछ या फिर दो प्रिंट आपस में टच ना हो रहे हों। ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए सभी प्रिंट अलग अलग हैं, एक दो तीन, तीन प्रिंट दिए हैं और तीनों ही अलग अलग हैं, तो इसलिए थोड़ा आयरन से एक बार हम लोग साफ़ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर दो प्रिंट आपस में कनेक्ट ना हो रहे हों। तो यहाँ पे कोई भी प्रिंट जो है ना आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा, ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है, और साफ करके आपके अगर आप लोग पास में पेट्रोल है थोड़ा पेट्रोल से इसको साफ़ कर लोगे। ये साफ़ है तो मैंने इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ, और दूसरा मैं कोई सा भी जैक ले रहा हूँ, जैक लेकर के मैं इसको लगाता हूँ इसके वापस से, ठीक है। तो मेरे पास में एक जैक पड़ा है, इस जैक को मैं थोड़ा सा अच्छे से साफ़ ऑफ कर लेता हूँ, करके मैं इसको सेट करूँगा, ठीक है। मेरे पास में ये एक जैक पड़ा था, ठीक ठाक जैक है, ठीक है। और इसको भी मैं साफ़ कर ले रहा हूँ पेट्रोल से अच्छे से, आप लोग इसको भी पेट्रोल से थोड़ा साफ़ कर लोगे बढ़िया से, ठीक है। तो मैंने इसको भी अब साफ़ कर लिया। लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है लगाने के लिए, जहाँ पे ये देखिए, इसमें आप लोगों को ना दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा छोटा छोटा दो सुराख आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर,
और इसमें भी दो सुराख होते हैं, ठीक है। ये आप लोग कहीं दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा, दो यहाँ पे सुराख नहीं होते हैं, इसमें दो पॉइंट से बने होते हैं, ये जा करके दोनों इसमें इस दोनों सुराख में ये बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसा रखोगे तो खुद ही जा करके बैठ जाएगा। तो इन चारों पॉइंट को ना, तीनों पॉइंट को इधर, ये जो पॉइंट है इन सबको ना मिला लेना है, ठीक है। ये सब मिल गया, पाँच पॉइंट वैसे दिखाई देता है तो सबको आमने सामने बिल्कुल वहीं पर मिला, जहाँ पर है वहीं पर इन सबको मिला लेना है। तो मैंने यहाँ पर मिला लिया वहीं पर जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर, और रख करके फिर हमें बस सिंपली क्या करना है कि आयरन से ना थोड़ा सा पहले जॉइंट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे, मैं आप लोगों को लगा करके दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीक़ा से लग जाता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आसानी से लग जाता है। तो ये हमने ऐसे पकड़ लिया है, और पकड़ करके आयरन को लेंगे, आयरन में थोड़ा सा हम सोल्डिंग वायर ले करके इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे, थोड़ा सा इसको जॉइंट कर लेना है, पहले हल्का अड़ा लेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसमें अटैच हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही जॉइंट नहीं कर देना पहले ही यहाँ पे। तो इधर हमने कर दिया, अब यही सेम प्रोसेस हम आगे भी कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे, इस तरफ भी, ताकि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ये क्या हो जाए कि कनेक्ट हो जाए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये आप लोग अब देख सकते हैं, दोनों तरफ मैंने इसको ना चिपका दिया, दोनों तरफ लग गया। अब हम ये जो कनेक्ट हो गया है, अच्छी तरह से चिपक गया है, अब हम अच्छे से इसमें क्या करेंगे, सोल्डिंग वायर से बढ़िया से इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे, करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बढ़िया से। अब दोस्त जो ये वाला इधर जो पिन दिया गया ना, अगर इस पिन पे जब आप लोग आयरन चलाओगे ना, तो बहुत ही संभाल के चलाओगे, ध्यान रखोगे कि आपके आयरन में थोड़ा सा अभी सोल्डिंग वायर नहीं लगा हो, ठीक है। नहीं तो फिर ये क्या हो जाता है कि दोनों ये दो पिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं लगा है, मैंने देख लिया पहले ही। अब मैं इसको आयरन से इसको थोड़ा थोड़ा बस हल्के हाथ से थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर टच करोगे ना तो वो चिपक जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ही करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आराम से हल्के हाथों से इसको जॉइंट कर लेना। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया है, और ये जॉइंट हो चुका है अच्छी तरह से, आप लोग देख सकते हैं जॉइंट हो गया, पूरा अच्छे से जॉइंट हो गया, ठीक है। इधर भी देख लीजिए आप लोग, इधर भी, तो ये जॉइंट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्जिंग में लगा करके दिखा देता हूँ। तो ये ना, अब मैंने इसको चार्जिंग जैक में लगा करके दिखाना है आप लोगों को। तो ये चार्जिंग जैक है, और इसको मैं इसमें लगा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइट जो है वो लाइट जल जाएगा, क्योंकि जैक वैक मैंने सब कुछ बदल दिया है, तो अब ये चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लाइट जल रहा है, ठीक है। बैटरी नहीं लगा इसलिए यहाँ पर ब्लू जल रहा है, बैटरी लगाते ही यहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर रेड लाइट जलने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपने जैक को सही कर लोगे, मैं इसको फिटिंग भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्त जहाँ जहाँ से मैंने जो वायर छुड़ाया था उन सभी वायर को वहीं पे जॉइंट कर देना है, जहाँ से मैंने वायर जो भी लगाया था, आप लोग भी जो वायर जहाँ से छुड़ाए होगे आयरन की मदद से उसको वहीं पर फिर से वापस से कनेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ से स्पीकर का वायर छुड़ाया था, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, तो यहीं पर आप लोग जहाँ से आप लोग छुड़ाए थे वहीं पर आप लोग उसको कनेक्ट कर दोगे वापस से, ठीक है। जो भी वायर हो उसको आप लोग वहीं पे कनेक्ट करोगे, दूसरी जगह कनेक्ट नहीं करना दोस्त, जहाँ पे आप लोगों ने छुड़ाया था वहीं से उसको कनेक्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, जो वायर जहाँ पे लगा था उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मेरा सिर्फ क्या लगाना बचा है, तो यहाँ पे मेरा जो ये जो एयरफोन का जो वायर था ना ये लगाना बचा है, ठीक है। सिर्फ स्पीकर का वायर जो है वो लगाना बचा है, लेकिन स्पीकर के वायर लोगों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, आपको तो चार्जिंग देखना है कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, और यहाँ पर अब जो लाइट जलेगी वो रेड कलर की लाइट जलेगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रेड लाइट जल रही है, ठीक है दोस्त। तो ये अब चार्ज हो रहा है। इस तरह से आप लोग भी अपना नेकबैंड जो है ख़राब हुआ पड़ा है, चार्जिंग नहीं हो रहा, तो उसको आप लोग सही कर पाओगे दोस्त। स्पीकर वगैरह भी अगर काम नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नेकबैंड में किसी एक तरफ का स्पीकर काम नहीं करता है, तो वो सब वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, वो जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं दोस्त। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मैं बहुत अच्छी सी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।